एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2017. इस क्वेश्चन में आपको ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑन आर. उसके बाद समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity मोड ए एन माइनस 1, ये आपको लेस देन इन्फिनिटी दिया हुआ है. देन आपको वेरीफाई करना है कि समीशन ए एन एक्स टू दी पावर एन एक्स बिलोंग्स टू आर इज, पहला ऑप्शन कह रहा है कि इज कन्वर्जेंट, पहला ऑप्शन कह रहा है नोवेयर इन आर, यानी कि कहीं भी कन्वर्ज नहीं करेगा, वो डेफिनेटली फॉल्स होगा. अगर एक्स को जीरो रख दूंगा तो ये सीरीज जीरो बन जाएगी, तो आप पहला ऑप्शन डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर सीरीज एक्स इक्वल टू जीरो पे, यानी कि जो उसका सेंटर होता है वहां वो हमेशा कन्वर्ज करती है. ठीक है. सेकंड, वो कह रहा है कि एवरीवेयर ऑन आर, पूरे रियल लाइन पे कन्वर्ज करेगा. थर्ड कह रहा है कि ऑन सम सेट कंटेनिंग माइनस वन टू वन, यानी कि इस पे तो कन्वर्ज करेगा, इसको कंटेन करने वाले किसी न किसी एक सेट पे जरूर कन्वर्ज करेगा. और डी ऑप्शन कह रहा है कि ओनली ऑन माइनस वन टू वन. ठीक है. अब मैक्सिमम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं. जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, ए एन इक्वल टू वन बाई एन ले लिया. ठीक है. या ए एन इक्वल टू जीरो ले लिया. ए एन इक्वल टू जीरो हो गया तो ये डिस्कार्ड हो गया. ए एन जीरो है, ये थ्रू आउट कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये डिस्कार्ड कर देते हैं. यहाँ ए एन को दूसरा एग्जाम्पल वन बाई एन ले लिया. अगर मैं समीशन, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, वन बाई एन एक्स टू द पावर एन ले लूंगा, ये सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट आएगा वो वन आएगा, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा. तो सी पॉसिबल बचता है. लेकिन सी आने का रीजन अगर डिसाइड करना है कि सी ऑप्शन क्यों ट्रू है, उसका रीजन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है. अगर आपने काउंटर एग्जांपल लेके तीन ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, इसका मतलब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से आपका कोई भी लर्निंग नहीं है. हमारा काम क्या है, आप यहां हमारा काम है कि इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है. जैसे ही उसने ये दिया है कि समीशन मोड ऑफ ए एन माइनस वन ये कन्वर्जेंट दिया हुआ है, इंप्लाइज समीशन ऑफ ए एन माइनस ए एन माइनस वन ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट, रियल लाइन पे बात कर रहे हैं. तो यानी कि एस एन विच इज अ समीशन के वेरिंग फ्रॉम वन टू एन ए के माइनस वन ये कन्वर्जेंट होगा, nth पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए वन माइनस ए जीरो प्लस ए टू माइनस ए वन प्लस ए एन माइनस वन. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वन कैंसिल आउट, ए टू कैंसिल आउट, ए एन माइनस वन कैंसिल आउट, यानी कि ए एन माइनस ए नॉट ये क्या होगा, कन्वर्जेंट. ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ए एन इज कन्वर्जेंट. अब ए एन कन्वर्जेंट दिया हुआ है, ठीक है. अब इंप्लाइज जो ए एन होगा किसी ना किसी ए पे कन्वर्ज होगा, तो यहां दो केस बनेंगे, ए अगर नॉन जीरो है और दूसरा केस ए अगर जीरो है. अगर ए नॉन जीरो है तो कंक्लूजन क्या आएगा, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ ए एन टू द पावर वन बाई एन कहां कन्वर्ज करेगा, वन पे. अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो यहां से ये कंक्लूजन आएगा, क्योंकि ए टू द पावर वन बाई एन क्या हो जाएगा, वन. अगर ये क्वांटिटी वन पे कन्वर्ज कर रही है तो इंप्लाइज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज समीशन ए एन एक्स टू द पावर एन वो क्या हो जाएगा, इज वन. यानी कि अगर ये सीक्वेंस नॉन जीरो क्वांटिटी पे कन्वर्ज करेगा तो ये सीरीज इस इंटरवल पे कन्वर्ज करेगी. अगर ए जीरो हो गया तो डेफिनेटली मोड ऑफ ए एन टू द पावर वन बाई एन किसी ना किसी आर पे कन्वर्ज करेगा, और आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन, और लेस देन और इक्वल टू वन ये आ जाएगी. तो इंप्लाइज ROC of summation a n x to the power n is 1 upon r which is greater than or equal to 1. अगर radius of convergent 1 या 1 से greater है तो definitely इस set पे हमेशा convergent होगा. तो मेरा C option
प्रूफ हो गया। हर केस में ये सीरीज या तो इस इंटरवल पे कन्वर्ज करेगा या इस इंटरवल के बाहर कन्वर्ज करेगा। अब यहाँ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिली, अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा वो कह दे कि ये सीक्वेंस जो है ए एन जीरो पे जा रहा है, तो इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होगा, ए एन जीरो पे जा रहा है तो मोड ऑफ ए एन टू द पावर एन किसी न किसी आर पे जाएगा और आर की वैल्यू डेफिनेटली वन या वन से ग्रेटर होगी, और अगर ये वन या वन से ग्रेटर सॉरी वन या वन से लेस है तो आर ओ सी वन बाई आर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी, यानी कि इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट एटलीस्ट वन होगा। ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन डिस्कार्ड करके भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन जब तक आप यूज नहीं करोगे इन फ्यूचर, अगर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या कुछ भी ऑप्शन चेंज कर रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन में, इसीलिए आपके पार्ट सी में प्रॉब्लम होती है। अगर पार्ट बी में आप क्वेश्चन जनरली डिस्कार्ड करके करते हो, पार्ट सी में क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ट्राई करो, ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिस्कार्ड अगर नहीं हो रहा है तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसका रीजन या क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसका मीनिंग क्या है, कैसे यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन अबाउट दी शीट 1।